प्यारे लोगों, आप लोगों को दो बातों के विषय में कहूँगा। एक तो राम और ईश्वर, दूसरी बात विज्ञान। राम कहने से सब लोग साधारण तरह से जानते हैं कि जैसे हम लोग राम नवमी के दिन जहाँ तहाँ उत्सव देखते हैं, गांव में प्रतिमा बनती है, सब गांवों में नहीं लेकिन बहुत से गांवों में राम की प्रतिमा बनती है। लोग ठाकुरबाड़ी जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, दर्शन करके जानते हैं कि श्री राम शरीरधारी विशेष पुरुष थे, जैसा कि प्रतिमा में, चित्र में और ठाकुरबाड़ी में है। मृतिका की प्रतिमा में जैसा रूप है अथवा जो पहले से ही स्थापित प्रतिमा है, उसका दर्शन करके समझते हैं कि इसी तरह के राम थे। राम कहने से प्रतिमा का रूप, राम का ख्याल आता है। जैसा देखते हैं वैसा ही ख्याल में आवे, यह प्रचलित स्वाभाविक बात है। यह गलती में जानते हैं ऐसी बात नहीं। जो पढ़े लिखे अधिक हैं वे केवल रूपधारी राम ही नहीं समझते, और भी समझते हैं। जैसे श्री राम जब जंगल गए थे तो वे वाल्मीकि के आश्रम में गए, वहाँ वार्ता हुई, वहाँ रूप वाले राम वाल्मीकि के सामने थे ही, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेत नेत नित निगम का। एक तो रूपधारी राम है जो वचन में आते हैं और जिसके हाथ पैर मुंह आँख नाक कान आदि इंद्रियां हैं। जो इंद्रिय ज्ञान में आवे उसको गोचर पदार्थ कहते हैं। रूपधारी राम का चरण छुआ जाता है, वे सांवले हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, बुद्धि ग्रहण करती है। ऐसा रूप वचन अगोचर बुद्धि पर नहीं कहा जाएगा। अविगत का अर्थ है जो कहीं से हीन नहीं, सर्वव्यापी है। तो राम सामने हैं लेकिन कहते हैं कि सर्वव्यापी है, अलग है। धनुषधारी राम देखने में आते हैं और लोग कहते हैं अलग। नख से सिख तक देखते हैं लेकिन कहते हैं अपार। एक तो रूप और दूसरा स्वरूप होता है। एक तो शरीर का रूप होता है और दूसरा आत्मा का स्वरूप कहलाता है। श्री राम जी के शरीर को देखकर भी वाल्मीकि जी स्वरूप के लिए कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान में नहीं, बुद्धि से परे है, सर्वव्यापी है, देखने में आने योग्य नहीं, अपार है। वेद उसको नेति नेति कहते हैं। राम का शरीर रूप और राम का स्वरूप दोनों समझिए तो दोनों राम हैं। राम के दोनों रूपों का दर्शन और पहचान अच्छा है। देह रूप का दर्शन हो और आत्मस्वरूप का नहीं तो काम बाकी रहेगा। भगवान राम आज नहीं है, उनकी प्रतिमा है, लेकिन सभी प्रतिमाएं एक सी नहीं है। उसमें कौन कौन सी प्रतिमा ठीक है कहा नहीं जा सकता। ग्रंथ में जैसे रंग रूप का वर्णन किया गया है उसी के अनुकूल सभी चित्रकार बनाते हैं। जिस चित्रकार में जितनी प्रवीणता है वे उतने अच्छे बनाते हैं। इसलिए काम कम जानने वाले चित्रकार के बनाए रूप में अंतर पड़ जाता है, लेकिन जो स्वरूप है उसकी प्रतिमा नहीं बन सकती। शरीर रूप राम को सगुण राम और जो अलख अपार है वह निर्गुण राम है। राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का ज्ञान होना चाहिए। सगुण का ज्ञान इंद्रियों से होता है और निर्गुण का ज्ञान चेतन आत्मा से होता है। बुद्धि से परे चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा से जो जाना जाता है वही अविगत अलख अपार राम है। शरीर प्रकट होता है और गुप्त भी हो जाता है, स्वरूप से होने के कारण नहीं होता है। स्वरूप के होने का कारण नहीं होता किंतु शरीर के होने का कारण होता है। स्वरूप का होना किसी वजह से नहीं होता, वह परम प्राचीन है, परम सनातन है। ऐसा जो पदार्थ है वही अविगत अलख अपार है। समय समय पर, समय समय जो भगवान का अवतार होता है समय समय पर, उसमें कारण होता है। राम के अवतार के कई कारण हैं।
सब अवतारों के कई कारण हैं। सब अवतारों में एक ही रंग रूप नहीं, विविध रंग रूप, राम रूप में, श्याम रूप में बड़ा सुंदर और नरसिंह रूप बड़ा भयंकर, वामन रूप में बहुत छोटा रूप केवल 52 अंगुल का। असल में परमात्मा का ज्ञान अकथ अपार के दर्शन से होता है। यह दर्शन शरीर में रहने से नहीं होता, शरीर से पृथक होकर शरीर में रहो तब अपने में अपने से दर्शन होगा। ऐसा होने पर तमाम दर्शन पाओगे, आँख से नहीं देखोगे अपने से देखोगे। तुम स्वयं शरीर नहीं हो। गांव में कभी न कभी कोई अवश्य मरता है और उसकी श्राद्ध क्रिया होती है, तो सभी धर्मों में श्राद्ध क्रिया होती है किसी न किसी रूप में। इसमें विश्वास रहता है कि शरीर छूट गया है, अचेतन आत्मा कहीं चली गई है, उसकी शुभ गति हो इसलिए श्राद्ध क्रिया होती है। शरीर से केवल चेतन आत्मा नहीं निकलती, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म कारण महाकारण सहित चेतन आत्मा निकल जाती है। ये शरीर, ये तीन शरीर मरते नहीं, अपने स्वयं कोई शरीर नहीं है, शरीर निवासी है। जैसे दूध को मथते मथते आखिर में उससे मक्खन अलग हो जाता है और उसी में रहता है, फिर आप अलग करते हैं, इसी तरह चेतन आत्मा शरीर में रहे और शरीर से फुटकर रहे तब पहचान में आवेगा यही मैं हूँ और यही राम है। जो अविगत अलख अपार है, सगुण राम के दर्शन से माया में बहुत बढ़ती होती है और निर्गुण राम के दर्शन से मोक्ष होता है। निर्गुण राम अलग और सगुण राम अलग नहीं रहता। शरीर को पहन लिया तो सगुण है और सब शरीरों को छोड़ दिया तो वह निर्गुण है। जो भजन करता है वह शरीर से वैसे निकल कर रहता है जैसे दूध से मक्खन, वही जीवन मुक्त होता है, वही अपने को पहचानता है और राम के स्वरूप को भी। आज लोग विज्ञान की ओर बहुत झुके हैं, इसमें बड़ी इज्जत होती है, बहुत पैसे भी मिलते हैं। अभी सुना कि बिनु विज्ञान की समता आवे, समता एक ही भाव। आज तो भौतिक विज्ञान बढ़ा, उसमें क्या किया है, एक भाव को मिलाया नहीं, टुकड़ा किया है। जितना भौतिक विज्ञान बढ़ा है उतना ही नाशकारी बना है। यह है भौतिक विज्ञान, एक क्षण में क्या से क्या नाश कर दे। संसार के पदार्थों को विशेष रूप से जाना जा भौतिक विज्ञान है। संसार के पदार्थों को विशेष रूप से जानना भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में समता नहीं आई है और न आ सकती है, भौतिक विज्ञान की बढ़ती हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। सब के सब जिस मूल पदार्थ का अविलंब है वे राम है, परमात्मा है, वे अध्यात्म विज्ञान हैं। और इसके लिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर अभ्यास करने की जरूरत है। भौतिक विज्ञान में समता आएगी इसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज तक जितनी कोशिश हुई है उसमें थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती जाती है। भौतिक विज्ञान में मरने वाले और नाश करने की बात तो बहुत आई है लेकिन बचाने की नहीं। ईश्वर का दर्शन या अध्यात्म विज्ञान का मूल है, इसमें समता होती है। विश्वामित्र बड़े बलि राजा थे, अस्त्र शस्त्र से बहुत ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पीछे वे राम जी के गुरु हुए और थोड़ी ही काल में उनको सिखा दिया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से दबाना चाहा लेकिन दबा न सके। अंत में उन्होंने तप किया, तप से कुछ गिरे भी फिर संभले तो इतना तप किया कि इसमें इतना बल हो गया कि जो कुछ किसी को कहे सो हो जाए। उनके श्राप के डर से सभी लोग थर थर कांपते थे। वे लोग कहते थे कि लोग मुझे ब्राह्मण के लोग कहते थे कि वशिष्ठ जी आपको ब्राह्मण कह दे तो हम लोग भी ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन वशिष्ठ जी इनको ब्राह्मण नहीं कहते थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मरवा दिया फिर भी वशिष्ठ जी के हृदय में रंच मात्र भी कलेश नहीं हुआ। एक बार जब वशिष्ठ जी भोजन करने लगे तो साग में नमक नहीं था। उन्होंने अपने पत्नी अरुंधति से पूछा कि साग में नमक नहीं है क्यों? अरुंधति ने कहा कि नमक समाप्त हो चुका है इसलिए साग में नमक नहीं दिया गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि निकट ही में विश्वामित्र जी का आश्रम है, उनके यहाँ से नमक क्यों नहीं ले आए? अरुंधति ने कहा कि जो मेरे 100 पुत्रों को मार चुके हैं
उनसे मैं नमक मांगती। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे उनकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है। विश्वामित्र ने बहुत द्वेष किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ द्वेष नहीं किया। यह अध्यात्म की क्षमता है, यह आंतरिक क्षमता है। वैसे ज्ञान कहने वाले बहुत हैं। अध्यात्म ज्ञान जानने के लिए योग शास्त्र है, उसको सीखने के लिए बाहर में कोई घर नहीं। अपने शरीर के अंदर इसका यत्न संत सदगुरु बतलाते हैं, करने वाले समता पाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर भटगम्मा अररिया जिला में दिनांक 6/5/1966 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्रुत लेखक महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, स्वर स्वामी सनातन जी महाराज। जय गुरु।